यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजामय। इस श्लोक का अर्थ है, हे भारत, जब जब धर्म ग्लानि यानी वो खो जाता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म को जीवित रखने के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनीष अरोड़ा, आपका अपना दोस्त और साथी। हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों को यही कहते सुनते हैं कि गीता जीवन का सार है, जिसे यदि जीवन में किसी ने अपना लिया तो उसका कल्याण हो जाता है, वे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसे अगर आप अपने जीवन में अपना लें तो आपको भी अपने जीवन में आ रही तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। महाभारत भारतीय संस्कृति की एक महान विरासत है। ये न केवल एक महाकाव्य ग्रंथ है, बल्कि जीवन के लिए अनमोल लेसन्स का एक उपहार भी है। ये प्राचीन भारत के उन महाकाव्यों में से एक है, जिसने न सिर्फ भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के दर्शन को कुछ न कुछ सिखाया है। इसकी गाथाओं ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है और आज भी इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, जैसा कि पहले मिलती थी। महाभारत के हर पात्र, हर घटना और हर बात हमें कुछ न कुछ सिखाती है, चाहे वे धर्म की खोज हो, नैतिकता का पालन करना हो या फिर संघर्षों का सामना करना हो। ये महाकाव्य हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो आइए हम इस महाकाव्य से मिलने वाले चार महत्वपूर्ण पाठ को देखें, जो कि 21वीं सदी में भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने कि पहले थे। ये पाठ हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, कैसे बेहतर निर्णय ले सकते हैं और कैसे एक सुखी और सफल जीवन जी सकते हैं। तो आइए हम इस महान ग्रंथ से कुछ ऐसी अनमोल बातों की खोज करते हैं, जो हमें जीवन के हर कदम पर प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। ये बातें हमें न केवल पर्सनल लाइफ बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा और बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और महाभारत के अनमोल ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, जिससे हम एक बेहतर इंसान बन सके। प्रतिशोध और लालच का खतरा। जब लालच और प्रतिशोध एक साथ मिल जाते हैं तो वे विनाश का मार्ग अपनाकर उस पर चलने लगते हैं। महाभारत की बहुत सारी कहानियों में से एक प्रमुख कथा है कौरवों की ईर्ष्या और लालच की, जिसने अंत में कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध को जन्म दिया। कौरव, विशेषकर दुर्योधन, अपने पांडव भाइयों की सफलता और लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। उनकी इस भावना ने उन्हें उनके खिलाफ गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, जिसका परिणाम भयानक युद्ध और अंत में संपूर्ण विनाश के रूप में सामने आया। आज की 21वीं सदी के संदर्भ में भी ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे आसपास की दुनिया में जहाँ लालच और ईर्ष्या आम बात है, महाभारत का ये पाठ हमें सिखाता है कि कैसे ये भावनाएं हमें और हमारे समाज को नुकसान पहुंचा सकती हैं, चाहे वो ऑफिस में किसी प्रमोशन के लिए होड़ हो या व्यापार में कठिन कंपटीशन। लालच और प्रतिशोध के चक्रव्यूह में फंसना अक्सर हमें नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाता है। हम जो भी चुनाव करते हैं उसके परिणाम हमें और हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं को संयमित रखें और जो भी निर्णय लें वे सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ लें। ये बात समझना और भी आवश्यक हो जाती है जब हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे कि नौकरी बदलना, व्यापार में नई पहल करना या यहाँ तक कि व्यक्तिगत रिश्तों में महत्वपूर्ण निर्णय लेना। हमारे हर कार्य की एक प्रतिक्रिया होती है और यदि हम लालच और प्रतिशोध की भावनाओं के चलते निर्णय लेते हैं तो वे अक्सर हमें और हमारे समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। महाभारत के कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भी हमें यही सिखाया गया है कि कैसे लालच और द्वेष ने पूरे साम्राज्य को विनाश की ओर धकेल दिया था। ईमानदारी और त्याग की शक्ति। महाभारत के अनेक पात्रों में भीष्म पितामह का चरित्र सबसे अधिक गौरवशाली है, जो ईमानदारी और त्याग का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। भीष्म ने अपने पिता शांतनु के प्रेम के लिए अपने राज्य के उत्तराधिकारी के अधिकार को त्याग दिया और ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ली। ये प्रतिज्ञा उन्होंने न केवल अपने पिता की खुशी के लिए की बल्कि हस्तिनापुर की बेहतरी के लिए भी की। उनका ये निर्णय और त्याग उन्हें एक असाधारण योद्धा और नेता बनाता है, जिसकी प्रशंसा महाभारत के सभी पात्र करते हैं। आज की 21वीं सदी में भी भीष्म के इस पाठ की गहराई को समझना बेहद ज़रूरी है। ऑफिशियल वर्क और प्राइवेट अफेयर्स में ईमानदारी और त्याग का महत्व
आज भी उतना ही है जितना प्राचीन काल में था। चाहे वे एक कंपनी का सीईओ हो या एक साधारण कर्मचारी, हर व्यक्ति के लिए अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चा रहना और जरूरत पड़ने पर व्यक्तिगत लाभ को त्यागना अहम होता है। ईमानदारी का अर्थ है आपके कार्य और आपके वचन हमेशा पूरे होते हों। ये वे गुण हैं जो नेताओं को अपने फॉलोअर्स का विश्वास और सम्मान दिलाता है। दूसरी ओर त्याग वे शक्ति है जो हमें स्वार्थ से ऊपर उठाती है और हमें सामाजिक और बिजनेस पर्सपेक्टिव में एक अच्छा इंसान बनाती है। भीष्म की तरह जब कोई व्यक्ति बड़े उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग करता है तो वे न केवल अपनी बल्कि अपने समाज की भी मदद करता है। इस प्रकार भीष्म की कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि जीवन में ईमानदारी और सही समय पर किया गया त्याग हमें न केवल समाज में रिस्पेक्ट और सक्सेस दिला सकता है बल्कि ये हमारे चरित्र को भी निखारता है। भगवान में विश्वास और समर्पण। महाभारत की भव्य गाथा में अर्जुन द्वारा भगवान कृष्ण का चुनाव न केवल उनकी अपार शक्तियों के प्रति विश्वास को दर्शाता है बल्कि ये भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण कैसे हमारे जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दो विकल्प दिए गए थे, एक और कृष्ण जो कि खुद युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और दूसरी ओर उनकी विशाल सेना। अर्जुन ने कृष्ण का चयन किया जो कि उनके अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक चुनाव से हमें ये सीखने को मिलता है कि विश्वास और समर्पण चाहे वे भगवान में हो या हमारे अपने जीवन के मूल्यों में बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। 21वीं सदी में जहाँ बहुत सारी बाधाएं और मुश्किलें हमें अक्सर घेरे रहती हैं वहाँ ये पाठ हमें ये सिखाता है कि कैसे आत्मविश्वास और समर्पण हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में जब हम अपने संकल्पों के प्रति सच्चे रहते हैं और जब हम अपनी पूरी शक्ति से किसी कार्य को करने का संकल्प लेते हैं तो हम अक्सर उन सफलताओं को प्राप्त करते हैं जो पहले असंभव सी लगती थी। पेशेवर जीवन में भी जब कोई व्यक्ति अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है और अपने लक्ष्यों के प्रति विश्वास रखता है तो वे अक्सर अपने करियर में ऊंचे पदों तक पहुंचता है। अर्जुन की तरह हमें भी अपने जीवन की चुनौतियों में कृष्ण की तरह एक मार्गदर्शक की तलाश करनी चाहिए। चाहे वे हमारी आंतरिक शक्ति हो, हमारा आध्यात्मिक विश्वास हो या कोई मेंटर हो जो हमें सही दिशा दिखा सके और हमें अपने डर और संदेह से उभरने में मदद कर सके। ये समर्पण और विश्वास हमें ना केवल सफल बनाता है बल्कि हमें गहरी आंतरिक शक्ति भी प्रदान करता है। इसलिए आइए हम अर्जुन के इस महत्वपूर्ण पाठ को अपने जीवन में लागू करें और अपने विश्वास और समर्पण के बल पर अपने जीवन की बाधाओं को पार कर सकें। आधा ज्ञान खतरनाक है, महाभारत की एक मार्मिक घटना है अभिमन्यु की कहानी, जो अपने आधे अधूरे ज्ञान के कारण महायुद्ध में मारा गया। अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान था परंतु बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। उसकी इसी कमी के कारण उसे शत्रुओं ने घेर लिया और उसकी मृत्यु हो गई। ये घटना हमें सिखाती है कि आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है और ये हमें अपूर्णता की ओर ले जाता है। 21वीं सदी में जब ज्ञान का महत्व और भी बढ़ गया है वहाँ ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने ज्ञान को संपूर्ण रूप से विकसित करें, चाहे वे शिक्षा हो या पेशेवर प्रशिक्षण। हर क्षेत्र में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हमें अधिक सक्षम और सफल बनाती है। ये न केवल हमारे निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है बल्कि हमारी सफलता को भी प्रभावित करता है। जैसे अभिमन्यु का आधा ज्ञान उसके लिए घातक साबित हुआ, वैसी हमारे जीवन में भी आधे अधूरे ज्ञान से हमें अनेक प्रकार की चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें हर विषय में गहराई से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और कुछ नया और पूरा सीखने के लिए निरंतर प्रयास में रहना चाहिए। इस तरह हम अपने आप को न केवल अधिक सक्षम बना सकते हैं बल्कि अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में भी अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम अभिमन्यु की कहानी से सीख लें और अपने ज्ञान के क्षेत्र में कोई कमी ना रहने दें। ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और पूर्ण ज्ञान ही हमें वास्तविक सफलता की ओर ले जा सकता है। महाभारत भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत ग्रंथ है। ये हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण लेसन सिखाता है जो कि आधुनिक समय में भी उतने ही जरूरी हैं। हमने देखा है कि कैसे प्रतिशोध और लालच विनाश की ओर ले जा सकते हैं और कैसे ईमानदारी और त्याग हमें एक अच्छे रास्ते की ओर प्रेरित करते हैं। हमने ये भी सीखा है कि भगवान में विश्वास और समर्पण कैसे हमें मजबूत बना सकते हैं और आधा ज्ञान हमें कितना हानि पहुंचा सकता है। आधुनिक समय में इन पाठों को लागू करने का मतलब है कि हमें अपने जीवन की हर स्थिति में इन मूल्यों को अपनाना चाहिए, चाहे वे ऑफिस हो या हमारा निजी जीवन। ये सिद्धांत हमें संघर्षों का सामना करने
अवसरों की पहचान करने और हमारे चारों ओर के लोगों के साथ सकारात्मक और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने में मदद कर सकते हैं। इन सारी लर्निंग से हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपनी चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं और अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। ये हमें हमारे विकास के लिए प्रेरित करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की ओर ले जाता है। इस प्रकार महाभारत के प्राचीन पाठ हमारे आधुनिक जीवन में एक दीपक की तरह हैं, जो हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमें जीवन की यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप आगे ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।